वाराणसी का ज्ञानवापी मामला अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सभी मुकदमों को एक साथ क्लब करने को लेकर आज वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होनी थी। सुनवाई भी हुई और जिला जज ने दोनों पक्षों को सुना भी है, लेकिन अब कल की तारीख तय की गई है और कल ये माना जा रहा है कि आदि विश्वेश्वर समेत सभी मुकदमों को एक साथ जिला अदालत सुनेगी और कल बिसेन की तरफ से जवाबी बहस भी होगी। इसमें यह तय हो जाएगा कि कल अदालत क्या कोई नया आदेश देगी या फिर मामला रिजर्व रखा जाएगा। ज्ञानवापी केस से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र की सुनवाई मंगलवार को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई। इस प्रार्थना पत्र के जरिए मां श्रृंगार गौरी केस के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े अन्य 6 मामलों को सुनने की मांग की गई। कोर्ट में ये प्रार्थना पत्र मां श्रृंगार गौरी केस की लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा, ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पाठक और मंजू व्यास की ओर से दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में मां श्रृंगार गौरी केस की ही एक अन्य वादिनी राखी सिंह नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी, इसके बाद बहस जारी रखने के लिए सुनवाई की अगली डेट 21 दिसंबर तय कर दी। याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सभी मुकदमों का नेचर एक है, इसीलिए सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आज केस में कोई भी ऑर्डर होता है तो उसका इम्प्लीकेशन सारे केसेस पे होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सीपीसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि यूनिफॉर्मिटी इन ऑर्डर्स होना चाहिए। अब सबकी निगाहें 21 दिसंबर की सुनवाई पर टिक गई है। अगर ऐसा होता है तो सभी मामलों को एक साथ सुनने से जो हिंदू पक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि समय की बचत होगी, इसके साथ ही इस मुकदमे में तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं जितेंद्र सिंह बिसेन की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन कल सभी की निगाहें कोर्ट पर होंगी कि कोर्ट क्या फैसला देती है। वाराणसी के सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।